नमस्ते दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, बाथरूम की फ्लोरिंग में क्या लगाना है, वॉल में आप क्या लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि मेरा जो भी वीडियो है बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग में वीडियो डालता रहता हूँ तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप कुछ नए वीडियो का आनंद ले सकें। अब बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बाथरूम, इसकी क्या साइज़ है, कौन सा कलर लगाया हुआ है बाथरूम में और इसकी क्या प्राइस रहती है, वो सभी चर्चाएं हम आज इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए अब चालू करते हैं। जो वॉल देख रहे हैं, वॉल में ये इटालियन मार्बल लगाया हुआ है और इसकी जो कीमत होती है 400 रुपये का ये पत्थर है। कहीं कहीं आपको 450 में मिलेगा, 350 में भी मिलेगा। वही रीज़न है, अगर थिकनेस आप जा रहे हैं थिकनेस पे और क्वालिटी मैन, जितनी कम फिलिंग रहेगी उतनी इसकी रेट रहेगी। इस बाथरूम की साइज़ है 7 फीट बाई 7 फीट का बाथरूम है। ये शावर एरिया रहेगा, इसमें जगह कम है, इसी वजह से इसमें एक ग्लास का पार्टीशन देखे राइट साइड में वॉश बेसिन काउंटर लगा रखा है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि एक के गैंस ऐसे जा रहे हैं, दूसरे के ऐसे जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रखा है, इसमें क्या रीजन हो सकता है। जो आप ये कॉर्नर में देख रहे हैं वो इजाक फैन है, सभी आजकल ऑटोमेटिक ही लगते हैं। जैसे आप बाथरूम का डोर ओपन करेंगे तो ये फैन भी चालू हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं वॉश बेसिन काउंटर, ये एक लकड़ी के बॉक्स पे बनाया हुआ है, पत्थर ऊपर रख के काउंटर टॉप ऊपर रखा हुआ है और बीच में सब में वी ग्रू की डिजाइन दे रखी है। यही रीज़न होता है कभी कभी, जब जैसे आप मान लीजिए बाथरूम में 250 फीट मटेरियल चाहिए, तो 250 फीट अगर आप एक ही लाइन में लगाएंगे फिगर में तो आपका वो 250 फीट से 250 फीट नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए और मटेरियल लाना पड़ता है, और लाओ तो कलर वेरिएशन हो जाए, इसीलिए इसमें एडजस्टमेंट कर रखा। और कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कुछ अलग दिखाने के लिए, कंटिन्यूस नहीं करके ब्रेक कर देते हैं। इसमें दो रीज़न हो गए ये। और बाथरूम की फ्लोरिंग में आपको हमेशा रब स्टोन ही लगाना है, चाहे आप रब टाइल लगा दें, सेम पत्थर नहीं लगाएं। बहुत सी बार ऐसे केसेस भी हो गए हैं जहाँ फिसल गए सेम पत्थर लगाने के चक्कर में। कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि आपको ये बाथरूम कैसा लगा, डिज़ाइन कैसी लगी। ये जो ग्रेनाइट देख रहे हैं, इसको क्या फ्लेम करके इसके इस पर ब्रश आते हैं, स्टील के ब्रश आते हैं, उससे पॉलिश की हुई है, उसको लेफेतरो फिनिश बोलते हैं। इस तरह से आप अपने बाथरूम की डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।